CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम मुर्गा। आलेख मधुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। लगाता सप्तम सुर में गाना गाता, सुबह सुबह आवाज लगाता सप्तम सुर में गाना गाता। उठो उठो सोए हो क्यों, कुकड़ों को भाई कुकड़ों को। उठो उठो सोए हो क्यों, कुकड़ों को भाई कुकड़ों को। कुकड़ों को भाई कुकड़ों को, कुकड़ों को भाई कुकड़ों को। हाँ कुकड़ों को भाई कुकड़ों को, कुकड़ों को भाई कुकड़ों को। नई निराली चाल ढाल है, सिर पर कलगी लाल लाल है। नई निराली चाल ढाल है, सिर पर कलगी लाल लाल है। उठो उठो सोए हो क्यों, कुकड़ों को भाई कुकड़ों को। उठो उठो सोए हो क्यों, कुकड़ों को भाई कुकड़ों को। कुकड़ों को भाई कुकड़ों को, कुकड़ों को भाई कुकड़ों को। हाँ कुकड़ों को भाई कुकड़ों को, कुकड़ों को भाई कुकड़ों को। हाँ भाई, ये गाना कुकड़ों को यानी मुर्गे जी का ही है। बच्चों, तुमने मुर्गे की आवाज सुनी है ना? सुबह सुबह ही मुर्गा कुकड़ों को की बांग देकर सबको उठा देता है, और शायद सुबह उठते ही तुम भी मुर्गे की आवाज सुनते होगे। दोस्तों, पहले जब घड़ियां नहीं होती थी तब मुर्गे की आवाज से ही ये पता चलता था कि सुबह हो गई है। तभी तो कुकड़ों को मुर्गा अपनी अकड़ में ऐंठ गया। अरे रे रे रे, तुम सोच रहे होगे कौन सा मुर्गा, कैसा मुर्गा और कैसी उसकी अकड़। अरे भाई, ये है एक कहानी, सुनोगे? तो लो फिर सुनो मुर्गे की कहानी मेरी जुबानी। और इस कहानी में है एक अकड़ू मुर्गे की नादानी। एक था जंगल और उसमें रहता था एक मुर्गा, कुकड़ों को मुर्गा। वो रोज सवेरे सवेरे उठ जाता, सूरज के निकलने से पहले ही जाग जाता और सबको आवाज लगाता कुकड़ों को, उठो उठो सब सोए क्यों, कुकड़ों को कुकड़ों को। बच्चों, मुर्गे की आवाज सुनते ही सब जानवर उठ जाते और अपने काम में लग जाते। क्या बंदर, क्या भालू, क्या चिड़िया, क्या तोता। भाई बंदर महाराज मुर्गे की बांग सुनते ही अंगड़ाई लेकर उठ जाते और फिर लगते कसरत करने। एक, दो, तीन, पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाने, कलाबाजियां करने। मुर्गे की कुकड़ों को सुनते ही भालू भी उठ बैठता। रात में देर तक नाचता जो रहता था, बेचारे की अपने आप नींद ही नहीं खुल पाती थी। उठते ही वो अपनी चारों टांगों को फैलाकर जम्हाई लेता और नाश्ते की तलाश में चल देता। मुर्गे की बांग सुनकर चिड़िया रानी भी झटपट अपने घोंसले से बाहर आ जाती, अपनी चोंच धोती, साफ करती
और चू ची चू चू करके अपने बच्चों को जगाती। और भाई तोता भी मुर्गे की कुकड़ों को सुनकर जागता और रटने लगता, राम 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 सीता राम। एक दिन की बात है, कुकड़ों को मुर्गे ने बांग लगाई। और फिर सबको जगाकर वो गया नदी में अपना मुंह धोने। उसी समय सूरज भी उग रहा था। आसमान में हल्की हल्की लाली छाई थी। सुबह की सुनहरी सुनहरी रोशनी में जब उसने पानी में अपनी शक्ल देखी तो वो तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, मेरे सिर पर तो लाल लाल कलगी है जैसे कोई मुकुट पहना हुआ हो, और फिर मैं काम भी कितना अच्छा करता हूँ, सुबह सुबह सबको जगाता हूँ। अगर मैं ना हूँ तो शायद सूरज भी ना उगे, रात ही रहे रात। बस ये सोच सोच कर मुर्गे ने शान से अपना सीना फुलाया और सोचने लगा जैसे वो ही जंगल का राजा हो। और ये सोच सोच कर वो गाने लगा, सुबह सुबह आवाज लगाता, सप्तम सुर में गाना गाता, उठो उठो सोए हो क्यों, कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू, नई निराली चाल ढाल है, सिर पर कलगी लाल लाल है, मुकुट सरीखी लगती ज्यों, कुकड़ू कू भाई कुकड़ू कू। और फिर यही गाना गाता गाता वो जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता गया। जंगल के सारे पशु पक्षी हैरानी से मुर्गे को देख रहे थे। सब सोचने लगे कि आज भला कुकड़ों को मुर्गे को क्या हो गया। बच्चों आखिर भालू से रहा न गया और वो मुर्गे के पास आकर बोला, अरे मुर्गे भाई, अरे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें पढ़ता नहीं सुनाई, अरे आज तुमने ये कैसी चाल चलाई। अरे ओ भालू, जरा अदब से बात कर, देखता नहीं मैं कौन हूँ, सबका राजा। राजा? और तू कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी है? जाजा जरा मुंह धो के आ। हाँ हाँ, मुंह धो कर अपनी शक्ल देख कर आ रहा हूँ, देखता नहीं मेरे सिर की लाल कलगी। अरे वो तो रोज ही देखता हूँ, आज ऐसी कौन सी बात है? अरे आज मुझे एक नई बात मालूम पड़ी है। नई बात? हाँ, ये कलगी नहीं है, ये मेरा मुकुट है, ताज है। मुकुट ताज, कल तक ये थी कलगी है और आज बन गया मुकुट। अरे हाँ हाँ, आज तक जो बात किसी को नहीं मालूम थी मुझे भी नहीं, वही तो मुझे अभी पता चली है। अभी पता चली? किससे? किससे क्या, सूरज से। सूरज यानी सूरज दादा? अरे हाँ हाँ, सूरज दादा,
आज सुबह जब मैं नदी किनारे गया हाँ? तो सूरज ने मुझे नमस्कार किया और जो बात किसी को नहीं मालूम थी वो बात मुझे बताई। हाँ? क्या बात? सूरज ने मुझसे कहा, ए मुर्गे राजा। मुर्गे राजा? अरे तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, बीच में बात काटना है। कुकड़ों आज मुझे सूरज ने बताया कि मैं ही सारी धरती का राजा हूँ। तुम नहीं, आप समझे, अब मैं राजा हूँ। कुकड़ों राजा, आज मुझे सूरज ने बताया कि मेरे जगाने से ही सारी धरती जागती है। अगर मैं बांग ना दूं तो सूरज भी ना उगे, और अगर सूरज ना निकले तो सारी धरती पर अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, और फिर किसी का काम ही नहीं चल सकेगा। क्या सूरज दादा ने ऐसा कहा? हाँ, सूरज दादा ने कहा, बिल्कुल कहा। और उन्होंने कहा कि इसीलिए भगवान ने मुझे जन्म से ही मुकुट पहना कर पैदा किया है। मुकुट? हाँ, तुम भी सुन लो, कान खोल कर सुन लो कुकड़ों, और सभी को बता दो कि सबका राजा मैं हूँ, सारी धरती का राजा ही। बच्चों, मुर्गे की ये बात सुनते ही भालू भागा भागा गया और जंगल में उसने सब जानवरों को बताई मुर्गे की ये बात। भालू की बात सुनकर सभी पशु पक्षियों ने ये सोचा कि अगर सूरज दादा ने ही मुर्गे को राजा कहा है तो शायद वो सचमुच में ही राजा होगा। अगर सूरज भी हमारी ही तरह मुर्गे के जगाने पर उठता है और निकलता है तो मुर्गा सच में ही हमारा राजा होगा। उसने सब जानवरों को बताई मुर्गे की ये बात। भालू की बात सुनकर सभी पशु पक्षियों ने ये सोचा कि अगर सूरज दादा ने ही मुर्गे को राजा कहा है तो शायद वो सचमुच में ही राजा होगा। अगर सूरज भी हमारी ही तरह मुर्गे के जगाने पर उठता है और निकलता है तो मुर्गा सच में ही हमारा राजा होगा। एक बार की बात है, सब जानवरों ने मुर्गे को दावत दी, तरह तरह के पकवान बने, सभी जानवर और पक्षी सज धज कर आए, मुर्गे को खुश करने के लिए नाच गाना भी हुआ। हाँ, रात में देर तक खाना और नाच गाना चलता रहा। बच्चों, इस सब के बाद मुर्गा बहुत थक गया था, और फिर जो मुर्गा सोया तो ऐसा सोया कि सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली। पौ फटी, आसमान में हल्की सी लाली छा गई, और फिर सूरज भी निकल आया, पर मुर्गा तो खर्राटे ही मारता रहा। और फिर सब पशुओं ने देखा, पक्षियों ने देखा कि सूरज तो अपने आप ही उगता है, सब जानवर भी सुबह होने पर खुद ही जागते हैं। ये झूठा मुर्गा सबको बुद्धू बनाकर मजे से राजा बना है। फिर तो बच्चों, सारे के सारे जानवर पहुंचे मुर्गे के पास और उसकी खूब पिटाई की, खूब चुकाई की, और सच में बना दिया उसे मुर्गा। प्रस्तुति
CIET NCERT नई दिल्ली भारत।